हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद गर्सा। आज मैं बनाऊंगी देसी मसाला पास्ते की रेसिपी, होममेड वेजिटेबल मसाला पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम हमने लिया है मैक्रोनी पास्ता, आपको जिस भी शेप में मिलता है वो ले लें। सभी का शेप अलग होता है पर टेस्ट सबका सेम ही होता है। और अभी हम इसे बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने लिया है, एक पैन में 1 लीटर पानी डाला है और पानी को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। जब एक उबाल आ जाएगा, और ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, और हम इसमें डाल देंगे मैक्रोनी को। और अभी हम इसमें मिलाएंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें और सभी को मिला लें। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच तेल डालें आप और अच्छे से सबको मिला दें और गैस को तेज कर दें। 5 मिनट तक अच्छे से उबाल आने दें इसी तरीके से, और बीच बीच में पास्ता को चलाते रहें मैक्रोनी को। और 5 मिनट के बाद आप चेक कर लें कि पास्ता पक गया है कि नहीं, और ये देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके से आप चाकू की सहायता से कट करके देख लें, और ये देखिए आसानी से कट जा रहा है हमारा पास्ता मैक्रोनी। और हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, सभी को हम छान लेंगे। बहुत ही खिली खिली मैक्रोनी हमारी बन के तैयार हुई है। और अभी हमने रख दिया है पैन, गैस ऑन कर दिया, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और बटर डालेंगे 1 क्यूब बड़ा। और अभी हम मेल्ट होने देंगे बटर को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच अदरक का बारीक कट करके डालें, प्याज 1 छोटी पीस में काट लें और सभी को अच्छे से मिला लें। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसी तरीके से लगातार चलाते हुए ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से पका लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लें। 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है और प्याज हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। और अब इसमें हम मिलाएंगे 2 बारीक कट किया हुआ टमाटर, टमाटर को डालें और अच्छे तरीके से सभी को मिक्स कर लें, मिला लें। और अभी हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, शिमला मिर्च 1 बारीक कट करके डालें, सभी को अच्छे से बारीक काट लें। और बॉयल कॉर्न मकई डालेंगे, उबली हुई मकई 4 से 5 चम्मच। ये है गरम मसाला, गरम मसाला बहुत थोड़ा ही डालना है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला इसमें डाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर हम इसमें मिलाएंगे, टोमेटो केचप 2 चम्मच, टोमेटो केचप का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और सभी को अच्छे तरीके से मिला लें, मिक्स कर लें। 1 मिनट तक हमें इसी तरीके से सभी को अच्छे से मिलाना है। और 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और ये 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है हम सब्जियों को चलाते हुए। और अभी हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप पानी, पानी डालने से सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और अभी हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, हमने पास्ते में भी नमक बॉयल होते समय डाला था, इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो सब्जी में भी नमक डालें स्वाद अनुसार। और अभी हम इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे, ढक करके गैस की फ्लेम को स्लो कर दें। और 2 मिनट पूरा हो चुका है, और ये देखिए हमारा पास्ते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आया है। और सबको अच्छे तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद हमने जो बॉईल करके रखा था पास्ते को मैक्रोनी, अभी हम इसे सबको डाल देंगे, सभी को इसमें मिला दें। मैक्रोनी वेजिटेबल मसाले में अच्छी तरीके से मिल जानी चाहिए, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी हम इसमें डालेंगे चीज़, चीज़ को हमने पीस में काट करके डाला है, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे पीस में हमने चीज़ को काट लिया है। चीज़ आप खाना पसंद करते हो तो इसमें मिलाएं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और सभी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी। पानी मिलाने से मसालों का सारा फ्लेवर पास्ते में आ जाता है, इसलिए हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और सभी को अच्छी तरीके से मिला लें। अगर आपके पास ताज़ा हरा प्याज के पत्ते हो तो आप उसे भी काट करके डालें। यहाँ हमने डाला है धनिया के डंठल का फ्लेवर भी सेम धनिया के पत्ती के जैसा ही आता है, तो आपके पास हो तो धनिया के डंठल को बारीक काट करके डालें। और अभी हम इसमें मिलाएंगे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो मिलाएंगे और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स,
और सभी को हम अच्छे तरीके से मिला देंगे। ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और ये हमारा देसी मसाला पास्ता बनकर के तैयार है। आपको मेरी होममेड देसी मसाला पास्ते की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.